नमस्कार दोस्तों, कोरोना काल के बाद से बंद पड़ी रात्रि काल में चलने वाली इंदौर भोपाल नाइट एक्सप्रेस अब फिर से अपनी सेवाएं देने आ चुकी है। यह गाड़ी प्रमुख तौर पर भोपाल से उज्जैन के महाकालेश्वर भगवान की भस्म आरती सुबह 4 बजे के करीब होती है, उसके श्रद्धालुओं के लिए सबसे प्रमुख ट्रेन बन चुकी है। हमने देखा कि भोपाल से उज्जैन आते आते इसके सारे कोच एसी, स्लीपर और जनरल कोच फुल थे, लेकिन उज्जैन स्टेशन पर यह गाड़ी खाली हो गई। केवल कुल मिलाकर 5 से 10% पब्लिक ही उनमें बची थी जो कि इंदौर या देवास जाने के लिए सवार थी। तो यह एक महत्वपूर्ण ट्रेन फिर से आ चुकी है अपनी सेवा में। इसमें काफ़ी कोच जनरल के भी हैं, लेकिन वे भी रात के समय फुल ही चलते हैं, इसलिए रेलवे ने इस ट्रेन में 3 की जगह पर अब 5 स्लीपर कोच कर दिए हैं। तो जो अतिरिक्त 144 सीटें स्लीपर श्रेणी की यात्रियों को मिल रही है, मैंने जब बुक किया था तो इसमें आरईसी मेरी आ रही थी, तो वह बुकिंग के बाद चार्ट जब बना जब क्लियर हो गई थी। तो यह काफ़ी अच्छी सुविधा भोपाल से इंदौर के लिए वापस से शुरू हो चुकी है। कोरोना काल के पूर्व यह गाड़ी लगभग हर छोटे स्टेशन पर रुकती थी, उसका टाइम टेबल अब काफ़ी अच्छा कर दिया है, लेकिन अकोदिया और संत हिरदाराम नगर स्टेशन से इसका स्टॉपेज हटा दिया गया है। तो उसके लिए क्षेत्र की जनता मांग कर रही है कि इन दोनों प्रमुख स्टेशनों पर वापस से स्टॉपेज दिया जाए, क्योंकि यह इन दोनों स्टेशनों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण ट्रेन थी। तो उम्मीद करते हैं कि रेलवे विभाग सहानुभूतिपूर्वक इस पर विचार करेगा और आने वाले समय में इन दोनों स्टेशनों पर इस गाड़ी का स्टॉपेज बहाल हो जाएगा। ऐसी ही और भी रोचक जानकारी पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आया हो तो अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।